Hey guys, so extended UI का latest update आ चुका है और आप सभी को तो पता ही है extended UI one of my favorite UI है। तो चलिए guys जल्दी से देख लेते हैं कि ये RAM actually में कैसा है। सो गाइस अगर इस रॉम के डिटेल्स के बारे में बात कर लें हम लोग तो देख सकते हैं ये एक्सटेंडेड यूआई 1.2.1 ऑफिशियल है। साथ ही में ये जो रॉम है ये एंड्रॉइड 10 बेस्ड है और यहाँ पे जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल यूज किया गया है वो है 5 मई 2020। यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है F1XY कर्नल। सो एक्सटेंडेड यूआई वन ऑफ माय फेवरेट कस्टम रॉम से एक है क्योंकि यहाँ पे एकदम से एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस के साथ साथ में बैटरी लाइफ एंड एक अच्छा सा रिफ्रेश्ड यूआई देखने को मिल जाता है। यहाँ का जो यूआई है वो काफ़ी यूनिक, इसीलिए मैं हर टाइम बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे वन यूआई, मी यूआई और पिक्सल एक्सपीरियंस का एक मिक्स्ड ब्लेंड है, काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले वॉल्यूम पैनल की तो ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड है एमआई यूआई से। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर की तो वो भी पूरी तरह से इंस्पायर्ड है एमआई यूआई से। एंड बाकी जो इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइल है, क्यूएस टाइल है, वो एकदम से इंस्पायर्ड है वन यूआई से क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर क्लॉक विजेट है वो काफी ज्यादा रिजेंबल करता है वन यूआई को। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इसके नॉर्मल ओवरव्यू के बारे में तो यहाँ पे जो लॉन्चर यूज किया गया है वो है पिक्सल लॉन्चर। ज्यादा कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन को ऑफर नहीं किया गया, नॉर्मली इस रॉम में भी ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन हमें नहीं देखता, बस इतना ही कस्टमाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है जितना कि हमें डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बेसिस में ये रॉम काफी ज्यादा एक्सेल करता है एंड ये डेली ड्राइवर के लिए एक अप्रोप्रिएट रॉम है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये रॉम एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमें काफी अच्छा बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाता है। हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को इस वीडियो में ही बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस रॉम के प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या है। एकदम फर्स्ट में बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो सिम वन इज एचडी केपेबल, ये जो वियर्ड नोटिफिकेशन ग्लिच है ये इस रॉम में अभी भी है, काफी और रॉम्स में भी हमें देखने को मिला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रॉम में अभी अभी भी प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले क्यूएस टाइल की तो क्यूएस टाइल में काफी सारे नॉर्मल जो टाइल्स वो यहाँ पे मौजूद है एंड जो टाइल्स हमें डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा जरूरत होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर की तो वो भी यहाँ पे है कैफीन मोड के साथ साथ। अगर हम लोग देख ले यहाँ पे तो स्विच डेटा कार्ड जो मोबाइल डाटा काफी ज्यादा यूज करते हैं एंड तब भी डिफरेंट सिम्स में यूज करते हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे स्विच डेटा कार्ड का टाइल एकदम अप्रोप्रिएटली मौजूद है। यहाँ पे अगर हम लोग आ जाए इसके सेटिंग्स पे तो सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई एकदम अच्छे से काम करता है यहाँ पे एंड यहाँ पे वोल्टेज को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि कॉलिंग का क्या सीन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जियो एकदम अच्छे से काम करता है। मेरे फोन में अभी जियो एंड वोडाफोन है, यहाँ पे कोई भी सिम एकदम अच्छे से ही काम करता है। मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको इन सिम से एक कॉल करके दिखा दिया। यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग एंड जो वोल्टी वीडियो कॉल है वो भी एकदम प्रॉपरली यहाँ पे मौजूद है एंड वर्किंग भी है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ भी एकदम अच्छे से काम करता है एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे और भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं इस अपडेट के साथ जो कि मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा मिलता है हमें। नॉर्मली यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है मेरे को। अभी भी 26% का चार्ज है जो कि लगभग मेरे को 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साउंड भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, साउंड को लेकर भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इस रॉम में नहीं है एंड साथ ही में अगर हम लोग एडवांस में यहाँ पे आ जाए तो डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी एकदम अच्छे से मौजूद है इस रॉम में। सिक्योरिटी में जो चेंज यहाँ पे मेजरली आया है वो है फेस अनलॉक ऐड हो चुका है इस रॉम में। अभी आप अपने फ़ोन को फेस से अनलॉक कर पाएंगे, जैसे आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि ये रहा मेरा फ़ोन, मैं बस स्वाइप अप करूंगा और ये मेरा फेस स्कैन करके जो है फ़ोन को अनलॉक कर देगा। एंड यहाँ पे स्क्रीन ऑफ FOD वो भी मौजूद है जिसका मतलब है अगर आपका स्क्रीन ऑफ रहा तब भी आपका FOD जो है एकदम अच्छे से काम करेगा। जैसे मेरा स्क्रीन अभी है ऑफ, मैं बस यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे मेरा स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगा। मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से पता चल जाए ये मेरा स्क्रीन ऑन हो गया मेरा। तो स्क्रीन ऑफ के हाल में भी यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा FOD एकदम अच्छे से काम करेगा। तो स्क्रीन ऑन FOD भी एकदम अच्छे से काम करता है एंड इसका FOD का परफॉर्मेंस सुपर्ब है। आप आराम से इसके FOD को रिलाई कर सकते हैं अपने डे टू डे यूजेज के लिए क्योंकि FOD का परफॉर्मेंस
एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात कर ले सिस्टम में, तो सिस्टम में ये ऑफिशियल अपडेट होने के बाद भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी सिस्टम अपडेट प्रोवाइडेड नहीं है। इसका मतलब अगर फर्दर कोई भी अपडेट आता है एक्सटेंडेड यूआई का, तो आपको अलग से सिर्फ डाउनलोड करके उस कस्टम रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आप सभी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये यहाँ पे अपडेटर ऑप्शन नहीं है। ऑफकोर्स सब तो परफेक्ट हो नहीं सकता किसी भी कस्टमर का, तो ये हमें हैबिचुएटेड हो जाना चाहिए अगर इस रॉम को हमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ इसके मेजर चेंजेस के बारे में। तो चेंजेस एक तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे जो है फेस अनलॉक वो आ चुका है, और एक जो मेजर चेंज है वो है कैमरा को रिलेटेड। कैमरा यहाँ पे एनएक्स कैमरा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो है 960 एफपीएस का स्लो मोशन सही से काम नहीं करता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो मोड में आपको 4K 30 एंड 4K 60 FPS का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, वो 4K 30 एंड 4K 60 FPS काम नहीं करता इनबिल्ट ANX कैमरा में। आप चाहे तो दूसरे ANX कैमरा या फिर G-Cam ट्राई कर सकते हैं, उसमें काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इनबिल्ट ANX कैमरा में वो वर्किंग नहीं है। नॉर्मली उसके अलावा साढ़े तीनों जो कैमरा लेंस है एकदम ब्रिलियंटली वर्किंग है, पॉपअप कैमरा भी एकदम अच्छे से वर्क होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पॉपअप कैमरा को लेकर भी, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। इसके बाद और एक जो चेंज है वो है लॉक स्क्रीन को रिलेटेड। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन द कॉर्नर यहाँ पे कोई भी असिस्टेंट हिंट लॉक स्क्रीन में शो नहीं होगा, तो वो भी डिसेबल कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट में भी इंप्रूवमेंट है, फिंगरप्रिंट में जो स्क्रीन में जो फ्लिकर होता है वो भी इंप्रूव कर दिया गया है। अभी फ्लिकर जो है काफी कम होगा आपके स्क्रीन में, आप सभी देख सकते हैं फ्लिकर अभी भी हो रहा है लेकिन वो काफी कम है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है जो इस अपडेट के साथ आ चुका है एक्सटेंडेड यूआई में। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो इसका कर्नल चेंज हो गया, पहले ये MNCT कर्नल में था, अब ये F1XY कर्नल में आ चुका है, तो यहाँ पे भी एक चेंज है। इनफैक्ट स्टेटस बार साइज में भी चेंज किया गया है, ये स्टेटस बार और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट किया गया है ताकि स्क्रीन को एकदम सही से यूटिलाइज कर पाए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल चुके हैं इस अपडेट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले इसके बाद इसके परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। उसके पहले मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस अपडेट में जो नोटिफिकेशन लाइट है पॉपअप कैमरा के ऊपर वो भी एकदम अच्छे से काम करता है, एंड नॉर्मली कैमरा का जो HDR है वो भी फिक्स हो चुका है। तो इसके बाद अगर हम लोग आ जाए परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस सुपर्ब है इस रॉम का। मैंने PUBG खेला है, कोई भी हीटिंग इशू या कुछ भी नहीं है, काफ़ी लैग फ्री परफॉर्मेंस है इसके पिछले अपडेट की तरह ही, इसीलिए ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रॉम भी है। मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट करी, मैंने यहाँ पे Geekbench स्कोर भी रन किया था, मैं आप सभी को इसका हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। एकदम यहाँ पे फर्स्ट में सिंगल कोर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7658 है सिंगल कोर में, एंड मल्टी कोर की अगर बात कर ले तो 2339, दोनों ही काफी ज्यादा सॉलिड स्कोर्स हैं, तो परफॉर्मेंस रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस रॉम के साथ। तो अगर आपको जानना है कि इस रॉम को आपके डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। तो गाइस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप बटन और अपने लॉक बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा, और अपने फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे फोन में भी ऑडियंस फॉक्स रिकवरी लोडेड है। तो ये ऑन होने के बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में एकदम वाइप कर देना पड़ेगा डेलवे कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को जो है हमें वाइप कर देना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो रॉम है ये एक्चुअली MIUI वेंडर पर बेस्ड है, तो अगर आप किसी भी OS वेंडर रॉम में अगर है तो ज़रूर से फ्लैश करने के टाइम आप MIUI वेंडर को अलग से फ्लैश कर ले, ताकि आप फास्ट बूट में स्टक ना हो जाए। तो ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली रॉम के फाइल को जो है सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रहा एक्सटेंडेड UI 1.2.1, इसे मुझे सिलेक्ट कर लेना है एंड जस्ट फ्लैश कर देना है। तो अब हम लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा रॉम जो है वो फ्लैश हो चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर देना पड़ेगा एंड वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा रॉम एकदम से कम्प्लीटली बूट नहीं हो जाता।
हमें स्टार्ट ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो सिम प्रेफरेंसेस है वो हमें यहाँ पे दे देना पड़ेगा। सिम प्रेफरेंसेस प्रोवाइड कर देने के बाद जो बेसिक एंड्रॉइड के फॉर्मेलिटीज है वो सब हमें पूरे कर लेने पड़ेंगे एंड उसके बाद हमारा जो रॉम है एकदम सक्सेसफुली रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।